हमसे, अरे काय भाग रहा है, आप इसीलिए कि आपको बैठते तब ना, काय भाग रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है जिसके 3 दिन समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार सदन के भीतर विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्त हंगामा हो रहा है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान बीजेपी ने सदन में कुर्सियां तक चला दी। और अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो बिहार विधान परिषद के सदन के भीतर का है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे विपक्ष के सवालों का। उतने में ही सम्राट चौधरी, जो कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है, वो भड़क उठे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े ही आराम से उन्हें प्यार के लहजे में समझाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं माने और उन्होंने वॉकआउट कर दिया सदन के भीतर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी में गजब की भिड़ंत हुई जो विधान परिषद में देखने लायक थी। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर ये दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से सम्राट चौधरी को समझाने बुझाने की कोशिश की और सम्राट चौधरी ने उनकी बातों का उल्लंघन कर सदन से वॉकआउट कर लिया, आपको इस वीडियो को दिखवाते हैं। रखना, देखिए बयान देना बोलना सब अलग है, लेकिन हम भीतर कहेंगे कि मन में रखिए जरूर, ताकि सब चीज हो जाए तो सब चीज को होगा। अब तो बात अलग है, चलिए ना, पॉलिटिकल बात सब बोलना, आई करना किसी पर कुछ बोलना, वो सब तो अलग चीज है, लेकिन असली चीज है, असली चीज है किस बात को तो बोलिए रहे कि ये करेंगे करेंगे करेंगे, हुआ क्या ही ना बता दी। वही नेता प्रतिपक्ष, आप लोगों को तो मालूम है, अरे यहाँ बोलने के लिए जो बोलिए, लेकिन भीतरवा तो आप लोगों को मालूम है कि कितना कम माननीय नेता बिहार में, माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं, सदन का उत्तर हो रहा है, झूठ का सरकार का जवाब हो रहा है, ऐसे थोड़ा होता है, सरकार का जवाब हो रहा है। अरे सरकार यदि बोलेंगे तो, यदि असत बोलते रहेंगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आपको चुपचाप सुनना है। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, 17 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी आपको नहीं बोलना माने। अब तो देखिए और अच्छा होना चाहिए, ये आग्रह कर, ये अच्छा होना चाहिए। अरे सब सब हो रहा है भाई। नहीं सर, नहीं हो रहा, तब तो बोल रहे हैं। देखिए आपके लिए तो बोलना जरूरी है ना, हो चुका सर, आप जरूरी है बोलना। आप पहले थे कहाँ, आरजेडी में, उस पर कहाँ थे जेडी, अब हो गए आप बीजेपी में, आपको तो बोलना ही है। कोई पार्टी बदला क्या? बैठे, अरे ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठा ना बैठा, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। कब कहाँ आप चले जाइएगा किसी को पता है? आपके झूठ के पुलंदा को हम लोग नहीं सुन सकते हमसे, अरे काय भाग रहे हैं, आप इसीलिए कि आपको बैठते तब ना, काहे भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे थे? तो चलिए, खैर खैर, इनको मन था कि अब ज्यादातर नहीं सुने, बेचारे इतना देर से सुन रहे थे तो धीरे धीरे कह दिए, तो अब उसके बाद कुछ कुछ बोलना कोई मतलब तो है नहीं। देखिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, तो काम तो कर ही ना रहे हैं, तो खाली प्रचार ना है। यहाँ हमारे मीडिया वाले साथी ऊपर में, तो यहाँ पर वाला तो बतवा है, इसको ये छाप ही देते हैं, लेकिन इसके अलावे इन पर जो कब्जा आजकल हो गया है केंद्र का, कि कहां कोई आप काम कीजिएगा तो उसको इनको छाप, खिलाफ में जितना बोलेगा उसको छपवाएगा। तो जो हालत हो गया है, जैसा हो गया है देश का, आप बिना मतलब का आप किस किस पर कार्रवाई शुरू हुई, आज जिन पर पहले कार्रवाई किए हमको ये कर दिए, अब फिर सब ठीक रहा, अब फिर शुरू हो गया।